हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे लिंक लिस्ट की मदद से इंतहाई एक सिंपलेस्ट वे में। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बना देंगे। हम स्ट्रक्चर से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर बना लेंगे क्यू के नाम से। उसके अंदर डेटा होगा हमारा, एक हमारे पास होगा सेल्फ रेफरेंसिंग पॉइंटर होगा हमारे पास लिंक के नाम से, कर लेते हैं। अब हम कर लेते हैं दो नोड्स क्रिएट कर लेते हैं, सही है, क्योंकि हम लिंक लिस्ट की मदद से कर रहे हैं। तो क्यू एक फ्रंट होगा हमारा, क्योंकि क्यू में हमारे पास एक फ्रंट होता है, उसको भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल नल के इक्वल कर देंगे। और एक हमारे पास रेयर आ जाएगा, सही। उसके बाद हम एन क्यू का फंक्शन बनाएंगे, वाइड एन क्यू डेटा लेगा। और हम एक टेम्परेरी न्यू क्यू हम क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो टेम्परेरी, उसमें स्टोर होगा हमारा जो डेटा यूज़र देगा। इसका नेक्स्ट जो होगा वो नल होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो फ्रंट है वो अगर नल हुआ तो इट मींस कि हमारे पास क्यू एम्प्टी है। तो फ्रंट इक्वल होगा रेयर के, और रेयर इक्वल होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे जो हमारे पास, जो हमने टेम्परेरी जो क्यू में जो चीज़ें डेटा जो हमने स्टोर की है वो उसके इक्वल आ जाएगा। अगर पहले से कोई डेटा है तो रेयर का नेक्स्ट जो होगा, वो जो हमारा टेम्परेरी क्यू है वो हो जाएगा। और फिर रेयर को हम टेम्परेरी के इक्वल कर देंगे। ये हमारे पास जो इन क्यू का फंक्शन है वो हो गया। अब हम कर लेते हैं डी क्यू का। डी क्यू का इंतहाई आसान है। हम चेक करेंगे अगर फ्रंट है हमारा नल, तो सी आउट कर देंगे एम्प्टी, जो हमारे पास क्यू है वो एम्प्टी है। अगर नहीं है एल्स, तो जो फ्रंट होगा वो इक्वल होगा फ्रंट के नेक्स्ट को। बस डी क्यू का भी फंक्शन हो गया। अब हम आ जाते हैं डिस्प्ले के फंक्शन पर। जो हमने क्यू में डेटा स्टोर किया हुए उसको हमने डिस्प्ले भी करना होगा, तो डिस्प्ले कर लेते हैं। इसके लिए हम एक पॉइंट वो बनाएंगे, एक नई क्यू बनाएंगे, क्योंकि हमने रियल क्यू में चेंजेस नहीं करनी। ये भी टेम्परेरी होगा हमारे पास। इसको हम फ्रंट के इक्वल कर देंगे, ओके।
और वाइल की कंडीशन लगाएंगे, इफ टेम्पररी इज नॉट नल, तो सी आउट होगा हमारे पास जो टेम्प्रेरी का डेटा है, सही है। और नेक्स्ट स्टेप में हम टेम्प्रेरी जो हमारे पास क्यू है उसको इक्वल करवाएंगे टेम्प्रेरी के नेक्स्ट के साथ। ये हमारे पास हो गया। अब हम चेक करते हैं कि हमने जो इम्प्लीमेंटेशन की है क्यू की लिंक लिस्ट के मदद से, तो उसको अब चेक कर लेते हैं, फंक्शन कॉल कर लेते हैं हम इन क्यू वन। अब हम डी क्यू डिस्प्ले कर लेते हैं, उसके बाद हम डी क्यू करते हैं। डी क्यू इसलिए करते हैं ताकि हम चेक कर रहे हैं कि डी क्यू का फंक्शन सही काम कर रहा है या नहीं। DQ उसके बाद डिस्प्ले पेयर कर लेते हैं कि हमारे पास जो हमने DQ के फंक्शन कॉल किए वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। एक मिनट सेव कर लेते हैं इसको और इधर सी आउट एंड एल भी लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले। तो अब हमने देखा कि हमने किस तरह क्यू को एक सिंपलिस्ट वे में लिंक लिस्ट की मदद से इम्प्लीमेंट किया। सिंपल है, हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर एक क्यू का एक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें डेटा था, लेंथ थी नेक्स्ट को जो था, उसके बाद एन क्यू का फंक्शन वो बनाया, वो भी आसान तरीके से। इस तरह हमने डी क्यू का भी फंक्शन बनाया, वो भी इंतहाई सिंपल तरीके से, और डिस्प्ले का भी। तो आज के लिए इतना ही।